वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल सो ईजी मैथ्स। बेटा जी इस चैनल वो तो लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो ता जो इस चैनल का वो तो बच्चे ने फायदा उठा सकन। ठीक है बेटा, चलो आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 अंकड़ा विज्ञान स्टैटिक्स। ठीक है, ये एम सी क्यू फार्मूलाज वगैरह सारा कुछ आप डिस्कस करांगे बेटा। एंड तक वीडियो देखियो ता जो तुसी सारे एम सी क्यू इंपॉर्टेंट एम सी क्यू हल कर सको। ठीक है बेटा, चलो सब तो पहला फार्मूले डिस्कस करते हैं। फस्ट है मध्यमान मीन। ठीक है, इनू बेटा आप एक्स बार ना शो करते हैं। ये तीन मैथड ने बेटा जी अपने को, डायरैक्ट मैथड, प्रतख विधि, अज्यूम्ड मीन मैथड, कल्पनिक विधि, स्टैप डेविएशन मैथड, पग विचलन विधि। ठीक है, देखो बेटा सब तो पहले है डायरैक्ट मैथड प्रतख विधि। इस फार्मूला की होंगे, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ एफ आई, समीशन मतलब जोड़। ठीक है, एफ आई की होंगे बेटा जी फ्रीक्युएंसी। नैक्सट है बेटा अपने कोल फार्मूला, अपने कोल अज्यूम्ड मीन मैथड कल्पनिक विधि। एदा फार्मूला की होंगे बेटा जी अपने कोल, मीन द ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन एन, और बेटा आप एन की थान पर समीशन एफ आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये साइड फ्रीकुएंसी गिवन होंगी है, वह सारे नंबर का की होंगे ये टोटल। नैक्सट है बेटा अपने कोल स्टैप डेविएशन मैथड पग विचलन विधि। ठीक है, ये देखो बेटा मीन का फार्मूला की लाने आप, ए प्लस एच। ठीक है, एच की होंगे भी किन्ने किन्ने इंटरवल का डिफरेंस आ, समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई। यू आई किमें करते हैं बेटा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। डी आई किमें करते हैं, एक्स आई विचों ए माइनस करके। ए की होंगे बेटा अपने कोल जी, एक्स आई आप कढ़ते हैं वो सेंटर वाली वैल्यू। नैक्सट है बेटा अपने कोल मधिका मीडियन। मीडियन का फार्मूला की होंगे बेटा, एल प्लस एन वटा दो माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सी एफ की है बेटा संचमी बारंबारता, कम्यूटेटिव फ्रीक्युएंसी। नैक्सट है बेटा अपने कोल बहुलक मोड। ठीक है, बहुलक मोड, यदा फार्मूला की बेटा, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, ये उन्होंने ही ने बेटा जी, जो अपने क्लास मतलब कि इंटरवल दते होंगे ने, जिमें अपने लिखा होंगे 30 to 40, 40 to 60। ठीक है, उन्होंने ये फार्मूले ने। नैक्सट है बेटा अपने कोल इंपीरिकल रिलेशन, कि बहुलक मोड मीडियन मधिका मीन मध्यमान दे विचकार की है बेटा अपने कोल, मोड कि बराबर होंगे देखो, थ्री मीडियन माइनस टू मीन। ठीक है, जे पर टू आप मीन कढ़ना हो, टू मीन कि बन जाओ, इन्हें इधर ले आओ, थ्री मीडियन माइनस मोड। ठीक है, जिदा मर्जी लिख लो इनू। नैक्सट है बेटा अपने को रेंज विचलन सीमा, वो किमें कैलकुलेट करते हैं आप, जी हाईएस्ट वैल्यू होंगी सब तो वो मुल हों जो डाटा गिवन होंगे, वो आप लोएसट वैल्यू सब तो घट मुल की करते हैं बेटा माइनस, माइनस करके की आती अपने को रेंज विचलन सीमा। ठीक है बेटा, नैक्सट देखो, नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, नैक्सट फार्मूला जोड़ा है नैक्सट फार्मूला है बेटा अपने को वर्ग चिन्ह क्लास मार्क। ये किदा फाइंड आउट करते हैं बेटा, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, मतलब हेठली सीमा, अपर क्लास लिमिट उपरली सीमा डिवाइडेड बाय टू, जिमें 30 to 40 आ, यदा आप क्लास मार्क फाइंड आउट करना तो की करांगे, आ बेटा अपने को अपर लिमिट होगी और लोअर लिमिट होगी, इन टू तो की कर देंगे डिवाइड, दोनों प्लस करके। ठीक है, जिमें 40 + 30/2। ठीक है, वो कि निकल जो अपने कोल क्लास मार्क वर्ग चिन्ह। हूँ बेटा आप ए रिलेटड चैप्टर न रिलेटड इंपॉर्टेंट एम सी क्यू करांगे। ठीक है, वन वन मार्क्स क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट है बेटा अपने कोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैजर ऑफ सेंट्रल रिडेंसी ऑफ स्टैटिकल डाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, हेर लिखिया विचों केड़ा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। देखो बेटा केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी का केड़ा माप नहीं है ये रेंज। ठीक है, पर होने करके हटे रेंज की है, दो वैल्यूज का डिफरेंस। ठीक है, बाकी सारे मीन मोड ते मीडियन ये तीनों की ने सेंट्रल टेंडेंसी का बेटा मैजर है। ठीक है, नैक्सट देखो बेटा, इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मैजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, केंद्रीय रुझान के तीन पावान के विचकार अनुभवी संबंध की है।
देखो इन्हों के संबंध है, टू मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस मीन, बी हैगा थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस मीन, सी हैगा बेटा टू मीन इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस मोड, डी हैगा अपने को टू मीन माइनस थ्री मीडियन। केड़ा आंसर आऊ बेटा अपने को टू मीन इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस मोड वाला, ठीक है। ये केड़ा सी बेटा अपने कोल रेंज। नैक्सट देखो, सारिया एक अंकी प्राकृतिक संख्यावां दा मध्यमान पता करो, फाइंड द मीन ऑफ द आल वन डिजिट नैचुरल नंबर्स, ठीक है। वन डिजिट नैचुरल नंबर केड़े हो गए बेटा अपने को, वन जिदे एक डिजिट होवे, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर, फाइव, सिक्स, सैवन, एट, नाइन, उस तो बाद क्या बेटा टेन, ये किन्निया डिजिट हो गया अपने को टू, इन आप छड़ दांगे। हुण आपां इहदा मीन फाइंड आउट करना, मीन मध्यमान की हुंदा बेटा सिंगल दे विच, अंकड़ों का जोड़ बटा अंकड़ों की गिनती, क्योंकि ये बेटा क्लास इंटरवल नहीं गीवन, एक सिंगल डाटा गीवन आ। वन प्लस टू उपर अंकड़ा जोड़ कर देंगे बेटा, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, प्लस सैवन, प्लस एट, प्लस नाइन, टोटल किन्ने ने बेटा अपने को नाइन, ठीक है। हुण इहदा टोटल करो, टोटल किन्ना बन गया अपने को 45 डिवाइडेड बाय नाइन, नाइन से डिवाइड करके किन्ना आ गया बेटा जी अपने को 5, तो अपना आंसर की आ गया बेटा जी डी, ठीक है। कई बार बेटा अपन ये भी गिवन होंदा फाइंड द मीन ऑफ फस्ट फाइव नैचुरल नंबर, तो पहले पांच संख्यावां ले लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, इन्हां जोड़ के फाइव से डिवाइड कर देंगे। कई बार अपन को लिखा होंदा फाइव ईवन नंबरस, जो ईवन नंबर पांच केड़े हो गए, दो, चार, छे, अठ, दस, ये ईवन हो गए जिस संख्यावान, जो टांग क्या हो जिन्या क्या हो टांग संख्यावान ले लो, ठीक है। ये है बेटा मीन मध्यमान। नैक्सट है अपने को फाइंड द मोड, बहुलक पता करो, बहुलक मोड जिहड़ी वैल्यू बेटा वध वार आई हुंदी आ उहनूं की बोलदे आ आपां, बहुलक मोड सिंगल डाटा दे विच, सिंगल डाटा अपने को इहदे देखो बेटा टू किन्नी टाइम्स आ गया, वन टू थ्री, थ्री टाइम्स आ गया, ठीक है। थ्री किन्नी बार आ गया बेटा अपने को टू टाइम्स, फोर किन्नी बार आ गया अपने को वन टाइम्स, फाइव किन्नी बार आ गया बेटा थ्री टाइम्स, सिक्स किन्नी बार आ गया अपने को टू टाइम्स, एट किन्नी बार आ गया बेटा अपने को वन टाइम्स। केड़ी वैल्यू सब तो वध बार आई है, देखो एक तो टू थ्री बार आया बेटा, एक फाइव थ्री टाइम्स आया, ठीक है। यह दो मोड हो गए टू ते फाइव, मोड की वैल्यू बेटा एक तो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, एक तो बाद आंसर यह हो सकते हैं। टू और फाइव की आ गया अपने को मोड, देखो ऑप्शन सी टू एंड फाइव, टू फाइव एट, तो अपना आंसर क्या होगा टू एंड फाइव बहुत। नैक्सट देखो बेटा मध्यिका पता करो, फाइंड द मीडियन, मीडियन का बेटा सौखा तरीका अपने को इन्हें इनक्रीजिंग ऑर्डर चला लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर चला लो। चलो मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, मैं असेंडिंग मतलब इनक्रीजिंग ऑर्डर चला रही हाँ, वाधे क्रम चला रही हाँ। देखो पहला वन आ गया बेटा, नैक्सट किन्ना होगा टू, फिर किन्ना आ गया बेटा थ्री, फाइव, सैवन, ठीक है, नैक्सट किन्ना आ गया बेटा अपने को नाइन, फिर टेन, फिर किन्ना आ गया ट्वेल्व, फिर किन्ना आ गया अपने को ट्वेंटी। हुण देखो सौखा तरीका की है, सेंटर वाली वैल्यू, मीडियन मतलब कि मध्यिका सेंटर वाली वैल्यू, देखो दोनों पासे कैंसल करते जाओ, ठीक है, थ्री थ्री कैंसल हो गई, फोर फोर कैंसल करती हैं, सेंटर च की आ गई अपने कोल सैवन। हुण तो एक वैल्यू आ, तो अपने को मीडियन मध्यिका किन्नी आ गई बेटा अपने को सैवन। मान लो जो दो संख्या बच जाती है, मान लो वन टू थ्री फाइव सैवन या सिक्स सैवन हुंदा, नाइन हुंदा, टेन हुंदा, ट्वेल्व हुंदा, ट्वेंटी हुंदा, फिर किदां करदे, देखो आ दोनों कैंसल हो गए, ए दोनों कैंसल आउट हो गए, ए भी कैंसल आउट करते, देखो सेंटर च अपने को टू वैल्यूज बच गई, ए मीडियन सीधी निकल गई, तो ए मीडियन किमें कढोंगे बेटा, ए मध्यिका मीडियन किमें कढांगे, दो वैल्यूज जे बच गई दोनों नू जोड़ दो ते डिवाइड कर दो, थर्टीन बाय टू, ठीक है, किन्ना बन गया अपने को 6.5। फिर बेटा अपने को मध्यिका किन्नी आ जाती 6.5, पर ये किन्नी अपने को सैवन, याद रखना है अपना आंसर किन्ना आ गया बेटा जी सैवन, ठीक है। नैक्सट देखो, नैक्सट है बेटा अपने को तोरण किन्ने प्रकार का हुंदा है, ठीक है,
हाउ मैन टाइप्स ऑफ ओगिव, देखो बेटा जो ओगिव आ तोड़ना किन्ने प्रकार का होंगे, टू टाइप्स, लैस दैन टाइप ओगिव तो मोर दैन टाइप ओगिव, ठीक है, घट प्रकार का तोरन तो वध प्रकार का तोरन, कि आ गया अपने को टू आंसर। नैक्सट है बेटा अपने को मैजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज रिप्रजेंट बाय द एबसीसा ऑफ द पॉइंट वेयर लैस दैन ओगिव एंड मोर दैन ओगिव इंटरसैक्ट इज कॉल्ड, जिथे वध किस्म तो घट किस्म का तोरन कटते हैं उस बिंदु तो खितिज धूरे मतलब एक्स धूरे तो लंब का कांटवा बिंदु अखवा है। देखो बेटा मोस्टली जो मोर दैन टाइप ओगिव आ, ठीक है बेटा, वो इदा बनता हों, थोड़ी उसी पे बुक चिता भी होगा, लैस दैन टाइप ओगिव इदा बनता है, हाँ ठीक है, जिथे दोनों कट दियाँ ने वैल्यूज वो आ वैल्यू नू की बोलते हैं आप, ठीक है, वो की बोलते बेटा वो कि वैल्यू होंगी अपने को बोलते हैं मधिका मीडियन, ये पूछ रहे बेटा वो कि माप आ जिहड़ा एबसीसा मतलब एक्स की वैल्यू रिप्रजेंट करती है वह की होंगे बेटा अपने को मीडियन, क्योंकि जिथे कटते ने ठीक है दोनों पॉइंट्स वो की रिप्रजेंट करते अपन मीडियन मधिका याद रखना। नैक्सट है बेटा जेकर बहुलक 48 होवे मध्यमन 27 है तो मधिका पता करो, अपने मधिका बेटा फाइंड आउट करनी है, चलो फार्मूला लगाने आप टू मीन कि बराबर होंगे बेटा अपने को टू मीन इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस मोड, यानी जो मर्जी शफलिंग करके लिख सकते हो। हुण देखो टू मीन, टू मीन मीन कि बेटा अपने को 27 टू इंटू 27 थ्री मीडियन, मीडियन अपने कैलकुलेट करनी है, माइनस मोड कि बेटा बहुलक कि अपने को 48 इन मल्टीप्लाई करो कि बन गया 54 48 इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू थ्री मीडियन, इन्हें दोनों बेटा ऐड कर लो 102 इज इक्वल टू थ्री मीडियन, ठीक है। हुण देखो अपने को मीडियम की वैल्यू कि आ गई, मधिका की वैल्यू कि आ गई 102 नू बेटा आप 3 नाल डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इन्हें डिवाइड करो कि आ गया अपने को 34, यदा मतलब बेटा मीडियन कि आ गई अपने को 34। नैक्सट देखो बेटा नैक्सट है अपने को फाइंड द क्लास मार्क वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क मतलब वर्ग चिन्ह फाइंड आउट करना ऑफ द क्लास इंटरवल 25 टू 30 द ऑफ ग्रुप्ड डाटा वर्गीकृत अंकड़े, ठीक है, आप वर्गीकृत अंकड़े के वर्ग अंतराल मतलब 25 टू 30 का वर्ग चिन्ह फाइंड आउट करना बेटा, वर्ग चिन्ह क्लास इंटर क्लास मार्क किमें फाइंड आउट करते होने बेटा, आप देखो 25 ते 30 तुम फॉर्म लिखाया सी ना मैंने दोनों का टोटल मतलब अपर लिमिट 30 प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 एक ही हो जाए बेटा अपने को क्लास मार्क, दोनों ऐड कर दो 55 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा, हुण तुसी डिवाइड करो ये बन गया अपने को 27.5, ठीक है। हुण देखो अपनी ऑप्शन च किन्ना आ गया बेटा सी ऑप्शन 27.5। नैक्सट देखो बेटा फाइंड द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, देखो बेटा जो साइज फाइंड आउट करना ये सीगा अपने को क्लास मार्क ये वर्ग चिन्ह है वर्ग आकार ज वर्ग माप की फर्क है दोनों के बीच, इस देखो दोनों जोड़ के दो ते डिवाइड किया जिहड़ा साइज आ वर्ग आकार आदा फाइंड करते बेटा आप अपर लिमिट के लोअर आ जी आप करते हैं माइनस, ठीक है, टू तो डिवाइड नहीं करना माइनस 65 माइनस 45 जो तो माइनस करोंगे तो कि आ गया तो बेटा जी आंसर 20, ठीक है, याद रखना जो तो माप कटते हैं आप वर्ग का तो डिफरेंस करते हैं, जो तो आप वर्ग चिन्ह कटते हैं दोनों जोड़ के दो ते डिवाइड करते हैं, अपना आंसर आ गया बेटा जी 20। 11th क्वेश्चन है विचलन सीमा पता करो फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज फाइंड आउट करनी बेटा, रेंज तुम्हें दस्या सी कितना करते हैं आप जी हाईएस्ट वैल्यू आ उहदे विच स्मॉलेस्ट वैल्यू आप की करांगे माइनस, हाईएस्ट वैल्यू कितना देखो अपने को 70, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी बेटा अपने को 70, लोएस्ट वैल्यू कितनी देखो अपने को 3, दोनों माइनस करो कितना आ गया अपने को 60,
7। ठीक है, एदा मतलब बेटा रेंज विचलन सीमा किन्नी आ गई अपने को 67। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने ये। प्लीज़ बेटा चैनल वक्त वक्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो।